हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। सो अब मैं आपके साथ कोई रेसिपी फिर से नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी अपने लास्ट अपलोड में कर चुकी हूँ। अब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी व्हाट्स इन द बैग ऑफ अ मॉम। तो मैं आपको दिखाऊँगी अपना वॉलेट, अपना पर्स, अपना बैग। मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ, अपने लिए क्या क्या कैरी करती हूँ और अपने बेबी के लिए क्या क्या कैरी करती हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माई बैग। Can see this with fringes. It's very cool, very stylish. I really like it. ये मैंने दिल्ली में सरोजनी नगर से लिया था। मुझे बहुत ही पसंद है ये बैग। So I really love it. और बहुत स्पेशियस है, मैं आपको दिखाती हूँ। So this is my bag, पूरा भरा हुआ है। इसमें बहुत सारा सामान रहता है, मेरा तो बहुत ज़रा सा रहता है, बट श्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें कैरी करती हूँ। तो मैं आपको पहले दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके चलती हूँ अपने लिए और फिर दिखाऊँगी श्योरिटी के लिए। So the first and the most important thing is the wallet. Obviously wallet सबसे ज़्यादा needed होता है, इसमें आपके सारा कार्ड एंड कैश सब रहता है। तो wallet, and the second thing is the phone जिससे recording हो रही है। So the next thing is my deo. बहुत गर्मी है, बहुत sweating रहती है, तो deo बहुत ही necessary है। और ये छोटा सा है, Oriflame का है, love potion। तो ये छोटा सा portable है, मैं इसे अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। The next is my comb to comb my hairs. And the next is my glasses. So let me show you my glasses. धूप बहुत है, बाहर जाओ तो आपको बहुत ही needed होता है। These are my glasses. And some छोटा छोटा चीज़ें, these are the paper soaps. हर जगह आपको soap वगैरह नहीं मिलता है ना, मेरी hygienic, तो मुझे हाथ धोने का बहुत रहता है, इसलिए मैं हमेशा paper soap carry करती हूँ। ये paper soap मेरे wallet में भी होंगे। And this is my ID. माई आई डी, वॉलेट में भी एक आई डी रहती है बट मैं पर्स में भी हमेशा एक आई डी छोड़ती हूँ, एमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। एंड दीज आर माई बिंदीज। मैं जब इंडियन वेयर पहनती हूँ तभी मैं बिंदी लगाती हूँ, बट शौर्य ना बिंदी रुकने नहीं देता है, वो हटा देता है, तो इसलिए मैं लेके चलती हूँ अपनी बिंदी। दीज आर दी सेफ्टी पिन्स, आपको एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, कभी आपको सूट साड़ी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ। एंड द वेरी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी लिप बाम। आप हर समय लिपस्टिक नहीं लगाते हो और ये थोड़ी कलर्ड वाला लिप बाम है। सी दिस इज द शेड चेरी शाइन, नीविया का है। तो जब मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी होती है तो मैं लिप बाम लगाती हूँ, और नॉर्मली मैं हमेशा लिप बाम ही लगा के रखती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई लिप्स वेरी मच। तो ये लिप बाम है और एक लिपस्टिक होगी जो मैंने लगा रखी है, एक कोई बेसिक लिपस्टिक चलती है साथ में, बस मेकअप का मैं लिमिटेड सामान रखती हूँ। एंड सम क्लचर, दिस इज़ वन ऑफ द क्लचर। एक है ये रबर बैंड और ये हेयर क्लिप। ये बेसिक हेयर एक्सेसरीज में साथ में कैरी करती हूँ, गर्मी के टाइम में आप हम हर समय बाल नहीं खोल सकते हो, तो उसके लिए। तो ये हो गया मेरा बेसिक सामान। अब आएगा शौर्य का। सबसे मेन जो हमारा शौर्य का चलता है साथ में, उनकी एक टी शर्ट, एक स्पेयर में मैं उनकी टी शर्ट रखती हूँ। कहाँ पर क्या ऐसे खा लें, क्या गंदा कर दें, पता नहीं रहता है, तो हमेशा एक टी शर्ट साथ में चलती है उनकी। एंड द डाइपर, द एक्स्ट्रा डाइपर। दिस इज़ दी बॉटल कवर, दूध की बॉटल लेके जाते हैं उसे कवर करने के लिए। एंड सम टिश्यूज़, ये कॉटन का मैंने हैंकी ले रखा है, जब कहीं गीले वीले हो जाते हैं फेस वॉश कराओ तो उसके लिए। और ये है एक अनदर टिश्यू, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जैसे बच्चों को जुकाम वगैरह हो जाता है, तो मैं बहुत ही सॉफ्ट कपड़े ही पसंद करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको फिर स्क्रैचेज हो जाते हैं उनको और रेडनिंग हो जाती है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इट्स लाइक अ टॉवल हैंकी। So this and these two are both the cotton. And the next is the wet tissues. Wet tissues बहुत necessary होते हैं, बच्चे जब खाते पीते हैं हाथ गंदे कर ले, फेस गंदा कर ले, वॉश बेसिन हर जगह नहीं मिलता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, तो ये मैं कैरी करती हूँ उनके लिए भी और अपने लिए भी। And the next is the whip. उनके कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं विप लेके चलती हूँ। वो बड़े हो गए हैं तो अब वो पहनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो बट मैं कैरी ज़रूर करती हूँ ये। और बाकी है उनके खाने पीने का थोड़ा सामान, पाली जी बिस्किट। एंड ये उनके लिए छोटे से बॉक्स में मैं उनकी फेवरेट नमकीन रखती हूँ, जो भी उन्हें नमकीन पसंद होती है, तो ये नमकीन। खाने पीने में मैं उन्हें ड्राई चीज़ें देना पसंद करती हूँ, चॉकलेट वगैरह मैं नहीं देती हूँ क्योंकि उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ चॉकलेट वगैरह देना, बट मैं रख के ज़रूर लेके चलती हूँ थोड़ी चॉकलेट्स, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता है कब नीडेड हो। तो दीज आर सम चॉकलेट्स एंड सम कैंडीज
एंड दी लास्ट बट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी बोरोलिन। बोरोलिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये बहुत ही सही अच्छी है, यूज़फुल है आपके लिए, बच्चों के लिए, कहीं भी स्क्रैच हो जाए, कोई मच्छर काट ले, कीड़े काट ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ मेरे पर्स में, मेरी मेकअप किट में, मेडिकल किट में, हर चीज़ में मैं इसे कैरी करती हूँ। इट्स वेरी यूज़फुल एंड वेरी हेल्पफुल। तो ये थी लास्ट चीज़ मेरे वॉलेट में। अब मेरा पर्स खाली हो चुका है, एज यू कैन सी कि मैंने इतना सारा सामान निकाला है अपने बैग में से। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं अपनी बेबी के लिए कैरी करती हूँ। आप लोग क्या क्या कैरी करते हैं आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं सो होप करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी हेल्प मिली हो, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, जो मदर्स हैं छोटे बच्चों की 3 to 4 ईयर्स वालों की, उनको थोड़ी हेल्प मिली हो। तो आई एम होपिंग फॉर दी बेस्ट एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा आप भी अपने व्यूज़। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।